राजेश राय बागी भाजपा नेता। आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन इस इलाके के किसान तबाह हैं और त्रस्त हैं, क्योंकि खरीफ का फसल नहीं बोया गया और रबी का फसल भी नहीं बोया जाएगा। किसान कहाँ जाएगा खाने के लिए? ये किसी कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसान परेशान हैं। यहाँ के मछली माफियाओं ने जो मत्स्य पालन करने वाले हैं वो पानी को रोक रखे हैं, वो पानी निकासी के लिए हम लोग बैठे हैं। अभी तक जिम्मेदार अधिकारी आप लोग से मिला या कोई विधायक? जिम्मेदार अधिकारी आया हम लोग के पास। सरकार माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, तो क्या माफिया सरकार से मिली है? मत्स्य माफिया प्रशासन, गाजीपुर के प्रशासन और बलिया के प्रशासन से हमारे विधायक जी और हमारे सांसद जी कई बार वार्ता कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के लोग के कान तक जू नहीं रेंग रहा है कि यहाँ इस इलाके के लोग किसान खाने बिना मर जाएं या कि आत्महत्या कर लें। मंगई नदी का पानी किसने और कहाँ क्यों रोक रखा है? माफियाओं ने और अवांछनीय तत्वों ने रोका है, मछली मारने के नियत से वो रोका है। आप ये फसल आज पहली बार नहीं बर्बाद हो रही है, इस बार ज़्यादा कुछ इसलिए हो रही है कि आज मैं कह सकता हूँ कि हम नहीं, हमारे होश भर गए और जो हमारे पूर्वज भी रहे। लोगों का रिकॉर्ड है कि 100 साल के अंदर इतना ऐतिहासिक वर्षा कभी भी नहीं हुआ था, तो इसको दैवी आपदा हम मानेंगे और इसको स्वतः माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं। और यह जो बात बता रहे हैं, यह कासमाबाद से लेकर के जब मैं भूमि विकास जल संसाधन मंत्री था तो मैं अपने अपर मुख्य सचिव सुरेश चंदा से लेकर के पूरी टीम लाया था, पूरा करैल बेल्ट मोहम्मदाबाद से लेकर के विधायक जी भी बहुत बार आकर के हमसे कहीं श्रीमती अलकाराज जी, और मैं अधिकारियों का लेकर दौड़ा भी कराया। उसमें ये बात आई कि जब तक हम जल संचय की व्यवस्था नहीं करेंगे एक बड़ा प्रोजेक्ट, ये हमारे क्षेत्र से भी फेफना से भी डिमांड रही है। अभी इसमें हमारे और माननीय सांसद गजेंद्र सिंह महजी वार्ता हुई भी थी, और माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जो माननीय जल शक्ति मंत्री हैं और माननीय महेंद्र सिंह जी, दोनों लोगों को विजिट का भी तय था, लेकिन कोरोना आ गया जिसकी वजह से रुका हुआ है। और हम सबका प्रयास है कि ये अगले माह में माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत को लाया जाए, एक बड़ा प्रोजेक्ट कि हम जल संचय भी करेंगे, जब खेतों में पानी होगा उस जल का संचय करेंगे, और जब किसानों की जरूरत पड़ेगी तो उस पानी को लिफ्ट करके हमें कई किलोमीटर तक पानी पहुंचाना होगा, तो हम गुजरात की तर्ज उत्तर प्रदेश में अन्य तर्ज पे हम उसको लिफ्ट करके पहुंचाएंगे भी। और जहां तक जाल मारने का सवाल है, तो मोदी जी और योगी जी के राज रहते हुए जाल डालने के रोक किसी को नहीं, लेकिन अगर 3 सेट अगर डालेगा तो किसी को डालने का अधिकार नहीं है, और प्रशासन मुस्तैदी के साथ।